सोए गाइस न्यूज बॉय तो कोई मत हंसनास, ठीक है? पहली बार लगा रहा हूँ, यस कैसा लग रहा हूँ कमेंट करके जरूर से बताना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सारा तेंदुलकर के बारे में। आपको पता होगा आप लोगों ने जो डेटिंग रूमर सुने होंगे सारा तेंदुलकर एंड सुमन गिल का, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है आपको पता होगा, तो अभी एक न्यूज आ रहा है कि सुमन गिल जो बीमार हो चुके हैं, उनको डेंगू हो गया ऐसा कुछ न्यूज आ रहा है। तो अभी एक ट्वीट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है सारा तेंदुलकर का, जहाँ पे लिखा गया गेट वेल सून सुमन गिल। यस आप देख सकते हो कितने लाइक्स है उसमें। अब पता नहीं यार ये ओरिजिनल अकाउंट है या फिर फेक अकाउंट है, वहाँ पे कुछ भी पैरोडी भी नहीं लिखा गया, फैन अकाउंट भी नहीं लिखा गया। मैं गूगल वगैरह में भी सर्च किया सारा तेंदुलकर का अकाउंट, मुझे नहीं लगता है ये रियल अकाउंट है ना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, फिजिक्स वाला के बारे में। जैसे कि मैं आपको कल के वीडियो में दिखाया था कि फिजिक्स वाला का एक टीचर का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पे एक स्टूडेंट जो है फिजिक्स वाला के टीचर को चप्पल से तो उसके ऊपर फिजिक्स वाला यानी आलोक पांडे ने रिएक्ट करा, वो क्या कहे आप खुद देखिए। आप लोग यही कमेंट किए जा रहे हो चप्पल चप्पल, मतलब आपके जीवन में कुछ नहीं करने को, पूरा दिन आप यही सर्च कर रहे थे। आया था मेरे पास भी वीडियो आया था, देखिए। अब मुझे नहीं पता है उस बच्चे के उस समय दिमाग में क्या चल रहा था, किस बात का फ्रस्ट्रेशन था, क्या दिक्कत थी और उसने क्यों ऐसा किया। अब टीचर के लिए मुझे बुरा भी लगा, पर एक तरफ उस टीचर की रिस्पेक्ट भी मेरे दिल में बढ़ गई। भारत के सभी शिक्षक जो इतनी मेहनत करते हैं बच्चों के साथ, और जितना वीडियो अभी तक सामने आया, जितना वीडियो दिखा है उसके अंदर तो ऐसा दिख रहा है कि शिक्षक के ऊपर बच्चे ने हमला किया, पर शिक्षक ने उसका कोई जवाब उस वीडियो के अंदर तो मुझे नहीं दिखा दिया। कोई कह रहा है कि शिक्षक ने बच्चे से कह दिया था कि आगे की सीट पे आके बैठ जाओ, क्या कारण है मुझे भी एक्जैक्टली नहीं पता है। मिली जुली स्टोरीज आ रही है, क्या शॉकिंग है ना कि पहले तो सल्यूट है उस टीचर को जिसने खुद को इतना कंट्रोल करके रखा, एक बच्चे के रूप में ही ट्रीट किया। सबसे बुरी बात है वो ये है कि ठीक है उस छोटे बच्चे ने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, पर ऐसा करने के बाद उसको बहुत गिल्ट तो महसूस हुआ ही होगा, उसे बुरा तो लगा ही होगा। कई लोग कह रहे होंगे नहीं लगा होगा, उस टाइम बाद लगा होगा, एक दिन बाद, दो दिन बाद, और वो यही चाह रहा होगा कि ये बात जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दब जाए, मैं माफी मांग लेता हूँ शिक्षक से, या मैं अब इस कोचिंग को छोड़कर किसी और कोचिंग में पढ़ लूंगा, ये बात कहीं बाहर ना जाए, यही तो वो चाहता होगा। शिक्षक के बारे में सोचो, उसने इतनी मैच्योरिटी से वहां पे डील किया, शांत रहा, कुछ नहीं बोला, मतलब दैट टीचर डिजर्व्स अ टीचर्स अवार्ड। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो पुनीत सुपरस्टार काफी सारे यूट्यूबर्स को रिप्लाई देते हुए एक रील अपलोड किया ना, जहाँ पे होता है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स उनको वीडियोस में लेते हैं, देन फिर उनको ही ट्रोल करते हैं। यस, इसके बारे में वो क्या कहे आप खुद देखिए। सालो यूट्यूबरो भिखमंगो सालो, पुनीत कुमार को वीडियो में लेती हो जूटी जूटी, उसके बाद पुनीत सुपरस्टार की बुराइयां करती हो सालो, पुनीत सुपरस्टार को ट्रोल करती हो सालो, इतने चांटे इतने झूठ मारूंगा, अकेला लड़ेगा पूरे हिंदुस्तान के यूट्यूबरों से। चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो ट्रिगर्ड इंसान काफी ज्यादा गुस्सा है फुकरा इंसान से। यस, वो तो फुकरा इंसान को घर से निकालने का बात कर रहे थे। अब ऐसा क्यों भाई आप खुद देखिए। घर से निकल तो क्यों, हमें हमारे घर में ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो घर में रहता ही ना हो, इसको निकालो भाई, हमें नहीं चाहिए। सही बात है, अभी ये घर का मेंबर थोड़ी है। अबे तू जा, निकल निकल। देखो कल मैं आया एक, कितने दिनों बाद घर पे था, कितने दिनों मैंने क्या करा, एक महीने में एक दिन घर पे रहा, उसने भी तेरी वीडियो बनवाई। भाई तू रहने दे, घर पे नहीं चाहिए हमें, आता है नहीं, एक दिन दिखता है उसके बाद फिर एक महीना गायब हो जाएगा। मम्मी इसको यार बेदखल करो भाई घर से, हमें नहीं चाहिए, इसको निकालो भाई, इसको घर के बाहर फेंक दो, हमें नहीं चाहिए, चल आइयो ही मत अब वापस, वहीं रहे। कहाँ जा रहे? कसौली। वहीं रहे कसौली क्या करने जाना है? शूट। कौन सा शूट? म्यूजिक वीडियो। एक बात बता, हर दूसरे दिन कोई ना कोई म्यूजिक वीडियो शूट कर रहा होता है, आता तो है नहीं। अब पिछले एक महीने में चार बार तो मैं कोई म्यूजिक वीडियो के शूट पे हूँ, कहाँ है वीडियो? चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, एक रोड रेज के बारे में, जहाँ पे भाई कुछ बाइकर्स एक कार वाले के साथ क्यों, बेसिकली वो जो कार ड्राइवर था ना वो बार बार हॉर्न मार रहा था। वहाँ पे क्या कलेश हुआ आप खुद देखिए। 6-7 बजे और मोदी जी यहाँ पर उधर नीचे उधर, अबे पीछे तो ले ले, पीछे ले ले, चिपकी हुई है। खोल इसको, खोल खोल खोल, बाइक साइड कर, पहले बाइक साइड कर, बैरिकेड यहाँ लगा, उतर नीचे, उतर नीचे, चलो उतर नीचे, 12 बड़ी देर से देख रहा हूँ पीछे में, चलाई जा रहा, अरे बड़ी देर से पीछा करी जा रहा, बाइक का टक्कर मार दी यहाँ पर, ऐसे हद मचा रखी है यार। आपकी गाड़ी टक्कर मारा है? अरे हाँ, तमीज से नहीं चला रहा। गाड़ी की फोटो खींच कर ले, ढंग से चला, ढंग से रुक, पीछे क्या जा रहा है? रहने दे, अपडेट के बारे में बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो उनको जो एक थ्रेट मिला है, बेसिकली सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसी को एक ईमेल रिसीव हुआ है, वो बेसिकली एक थ्रेट ईमेल है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को
गिराने का एंड नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में उसको उड़ाने का। ईमेल में ये बताया गया कि अगर नहीं चाहते ऐसा हो तो फिर 500 करोड़ रुपीस दे दो, एज वेल एज लॉरेंस बिश्नोई जो कि गैंगस्टर उनको जेल से निकाल दो। अभी ऑफकोर्स इसका इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगा ना, तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, शाहिद कपूर के बारे में। शाहिद कपूर का सुपरहिट फिल्म आपको पता होगा कबीर सिंह। तो पता है शाहिद कपूर ने पहले मूवी को रिजेक्ट कर दिया था, बट बाद में उनकी वाइफ मीरा ने उनको बोला ना कि वो फिल्म करो चुपचाप से। आपको पता होगा कबीर सिंह जो एक रीमेक मूवी है अर्जुन रेड्डी का, जहाँ पे एक्टर थे विजय देवरा कौंडा ना, वो बेसिकली ये सोच रहे थे कि जिस तरीके से विजय देवरा कौंडा का रोल था उस फिल्म में मैं वैसा नहीं कर पाऊंगा। पर खैर बाद में उन्होंने अपने बीवी के कहने की वजह से किया एंड वो मूवी भाई सुपर डुपर हिट हो गया। और जहाँ पे मूवी का बात हो रही बात करते हैं अक्षय कुमार के बारे में। अक्षय कुमार ने जवान के सक्सेस के ऊपर रिएक्ट करा, उन्होंने कहा शाहरुख खान का जो जवान मूवी है वो काफी सक्सेसफुल हुआ, काफी अच्छा बिजनेस किया, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। और उन्होंने ये भी कहा गदर 2, ओ माय गॉड 2 जो इतने सक्सेसफुल हुए वो अच्छा है इंडस्ट्री के लिए। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं एक बंदे के बारे में। न्यूज़ बता दूं दिल्ली से, ठीक है। एक बंदा क्या करता है ना, 40 मीटर का टनल खोदता है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की पाइपलाइन से जो है लाखों का ऑयल चोरी करता है। अभी बता दूं वो बंदा अरेस्ट हो चुका है, साथ ही साथ जितने भी वहां पे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लगे थे वो क्राइम करने के लिए मतलब कि खोदने के लिए वो सब कुछ भी जो है सीज कर दिया गया। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं एशियन गेम्स के बारे में। तो एशियन गेम्स में इंडिया ने अभी तक 100 मेडल्स जीत चुके हैं, टोटल 25 गोल्ड मेडल्स आ चुका है, 35 सिल्वर मेडल्स एंड 40 ब्रॉन्ज मेडल्स। सबसे पहले नंबर पर है चाइना बता दूं, 358 मेडल्स उनको मिल चुके हैं। दूसरे नंबर पर है जापान, तीसरे नंबर पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इसके बाद है इंडिया। वेल इस बार काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे इंडियन एथलीट्स एशियन गेम्स में ना पहले के कंपैरिजन में। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं आशीष संसलानी के बारे में। आशीष संसलानी हो गए भाई फ्रस्ट्रेट, क्यों हुआ आप खुद देखिए। गाइस मैंने अभी स्टोरी डाली थी, एक आदमी आके जंक्शन पे मदद कर रहा था तो बहुत ट्रैफिक थी, तो मैं फटाफट स्टोरी टाइप, जब तक गाड़ी में वेट कर रहा था मैंने स्टोरी टाइप की। नॉर्मल सिविलियंस हु हेल्प आर किंग्स, मेरे को एक्चुअली नॉर्मल पीपल लिखना था। अब क्या हो गया है लफड़ा मैं तुमको बताता हूँ। प्रॉब्लम क्या हुई है, मैं कहने की कोशिश कर रहा था नॉर्मल पीपल या नॉर्मल सिविलियंस दैट आर नॉट ट्रैफिक हवलदार्स आर किंग्स। डीएम्स में लोग इस पे ऑफेंड हो गए कि तू सेलिब्रिटी है तो तू लोगों को नॉर्मल बुलाएगा। मुझे माफ कर दो भाई, मैंने डिलीट कर दिया स्टोरी, मुझे माफ कर दो भाई। मैं मेरा मम्मी कसम, मेरे पूरे खानदान की कसम, मेरा वो मतलब नहीं था। जो भी लोग मुझसे मुझे फॉलो करते हैं काफी टाइम से, जो मुझसे ऑफलाइन मिले हैं, जो मुझसे ऑनलाइन बात करते हैं, उन्हें मालूम है कि सेलिब्रिटी तो दूर की बात, मैं अपने आप को एक एक बेसिक एवरेज इंसानों की गिनती में भी नहीं मानता, ठीक है। तो ये तो दूर की बात हो गई कि मैं ऐसे जो भी लोग, जो भी एक रैंडम इंसान जिसको मैं नहीं जानता हूँ, उसको मैं डिग्रेड करूँ ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई एम और व्हाट आई डू। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जिंदगी में इतनी बड़ी बड़ी भारी मिस्टेक हो गई मेरे से यार, मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, तुम लोग अभी डीएम कर रहे हो, अरे आशीष भाई शर्ट के बटन खोल लूंगा, कूम लगूंगा यार, मैं तो चलिए अगली ये अपडेट के बारे में बात कर चुके एंग्री प्रास के बारे में। तो एंग्री प्रास का काफी टाइम से वीडियो आउट नहीं हुआ, तो इसके बारे में अपडेट देते हुए उन्होंने लिखा, कैसे हो सब लोग, नए वीडियो का एनिमेशन हो चुका है, बस फाइनल एडिटिंग बाकी है। अभी एंग्री स्टूडियोज का शिफ्टिंग चालू है फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, इसमें एडिट नहीं कर पाया, बुरा भी लग रहा है क्योंकि आपको नया वीडियो दिखाने का एक्साइटमेंट भी ज्यादा, कभी कभी सिचुएशन सैड कर देती है, पर कोई नहीं आपके कमेंट्स मेरा सारा मेंटल प्रेशर सही कर देते हैं, 3-4 दिन में पक्का वीडियो डाल दूंगा, एंग्री आर्मी मिसिंग यू। तो चलिए अगली ये अपडेट के बारे में बात कर चुके अल्लू अर्जुन के बारे में। अल्लू अर्जुन बन गए फर्स्ट साउथ इंडियन एक्टर टू गेट ए वैक्स स्टैचू एट मैडम टुसॉड्स दुबई। यस, उनका स्टैचू अभी तक अनवील नहीं हुआ, इसी साल हो जाएगा अनवील ना। चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं 104 साल की लेडी के बारे में। ये न्यूज़ बता दो, चिकागो से 104 साल की वुमन ने क्या किया ना, स्काई डाइव किया फ्रॉम 13,500 फीट इन होप टू मेक गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड। एंड ऑफकोर्स वो गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड बना भी थी। जब उन्होंने रिकॉर्ड बनाया उन्होंने कहा एज इज जस्ट ए नंबर। चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके 4 पुलिस वालों के बारे में। ये न्यूज़ बता दो, तमिलनाडु से 4 पुलिस वालों ने क्या किया ना, असॉल्ट किया एक माइनर लड़की को। क्यों? क्योंकि वो जब बाहर घूम रही थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, पुलिस लोग ने जो वीडियो वगैरह भी रिकॉर्ड किया, यहाँ तक कि उसका जो बॉयफ्रेंड था उसको यहाँ पे काफी अच्छा लिखा गया है, प्रोटेक्टर टर्न्स प्रीडेटर। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट का देश का धोनी सीरीज तो आपको पता ही है, उसमें भाई फ्लाइंग बीस्ट का एक गाना होगा जो कि वो खुद गाएंगे। यस, इसके बारे में वो अपडेट दिए, वो क्या कहे आप देखिए। अभी हम आए हैं स्टूडियो में और देश का धोनी का एक जबरदस्त सॉन्ग रिकॉर्ड किया, और सर मैंने क्या परफॉर्म किया अभी बता दीजिए। आपने एकदम कमाल का गा लिया भाई, वो गाना सुनोगे ना आप सबकी फट लेगी भाई, क्या गा दिया मैंने। ये भी टैलेंट था मुझे पता ही है, निकलवा लिया हमने, सर ने निकलवाया, सर ने कुछ किया गले में ऐसे ऐसे आके क्या निकला भाई मतलब। तो चलिए अगली ये अपडेट के बारे में बात करते हैं स्वैगर शर्मा के बारे में। तो स्वैगर शर्मा जो अक्षय कुमार से रिलेटेड एक स्टोरी पोस्ट किए थे, कभी सोचा था कि थिएटर में अक्षय कुमार की फिल्म आएगी और पता भी नहीं चलेगा, सैड वाला इमोजी। इट्स हाई टाइम कि अक्षय कुमार और प्रिया दर्शन के घर के धरने पे बैठा जाए और जनहित में अपील करी जाए कि प्लीज मरने से पहले एक बार ही हेरा फेरी वाला ह्यूमर वापस ले आओ। आपको पता ही होगा यार हेरा फेरी क्या मूवी था, पता नहीं वैसे मूवीज फिर से कब बनने लगेंगे, ऐसे धरने पे ही बैठना पड़ेगा। तो चलिए अगली ये अपडेट के बारे में बात करते हैं अमित भड़ाना के बारे में। तो अमित भड़ाना का मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट एसएससी का ट्रेलर आउट हो चुका है,
उसका वो लॉन्च इवेंट भी रखे थे ना, वहाँ पे योयो हनी सिंह आए हुए थे, उन्होंने लिखा, योयो हनी सिंह पाजी कभी नहीं भूलूंगा आज का दिन, आपने जो आज मेरे लिए किया मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, लव एंड रिस्पेक्ट हिस्ट्री। अब उन्होंने क्या किया वो तो पता नहीं है। तो बस आजकल बस इतने अपडेट्स थे, अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, मैं तब नेक्स्ट वीडियो में ना भाई बताना यार मैं ऐसे सूट वूट पहन के वीडियो अपलोड करूंगा, अगर करना है तो बताओ मैं और भी सूट खरीदूंगा।